समय पर उठाया गया एक सही कदम आपको आने वाली हेल्थ की प्रॉब्लम से निजात दिला सकता है। अगर आपके या आपके रिलेटिव्स के स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी हलचल नजर आती है तो बिना देर कीजिए लॉग ऑन करें careworldtv.com पर और क्लिक करें आस्क द डॉक्टर। हमारे डॉक्टर्स आपकी प्रॉब्लम्स पर आपको देंगे उचित सलाह। ये ईमेल हमें भेजा है अहमद ने, लिखते हैं, 4 जून 2012 से पहले मेरे गले के राइट साइड में काफी दर्द होता था, जिसकी वजह से मुझे पानी पीने में दिक्कत होती थी। अब मैं ठीक लग रहा हूँ, मुझे ठीक महसूस भी हो रहा है, लेकिन मेरे गले के राइट साइड में छोटा सा बॉल जैसा कुछ है, क्या हो सकता है? मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक मेडिसिन भी दी जो अब खत्म हो गई है। क्या मैं ये दवा वापस शुरू कर सकता हूँ? क्या कुछ सीरियस मैटर है? आज काफी दिन बीत गए हैं, लेकिन आज भी वो बॉल वैसा ही है। अहमद जी, मेरे ख्याल से आपको गले का इन्फेक्शन हो गया है, शायद आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी एक सेकेंड ओपिनियन के लिए आइए जानते हैं हमारे ENT स्पेशलिस्ट क्या राय देते हैं। अहमद जी, एक चीज क्लियर नहीं है कि ये बॉल आपके गले के अंदर है या गर्दन पर है। अगर ये गर्दन पर कोई गांठ है तो इसे एकदम सीरियसली लीजिए, स्पेशलिस्ट को दिखाइए, जो एक नीडल का टेस्ट जिसे FNAC कहते हैं करा के ये इस्टेब्लिश करेगा ये गांठ क्या है। अगर गले के अंदर आपको गांठ दिखाई दे रही है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये टॉन्सिल है, जो कई बार कुछ लोगों में दोनों तरफ बड़े होते हैं, कुछ में एक तरफ भी बड़ा होता है। तो ये थोड़ी आसान चीज़ है जिसे कोई भी डॉक्टर देख के, अगर इन्फेक्शन लगता है तो उसे एंटीबायोटिक और डिकंजेस्टेंट से आसानी से ट्रीट कर सकता है। अहमद जी, रिलैक्स ना, आई होप आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल गया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको भी हेल्थ से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो तो लॉग ऑन करें careworldtv.com पर और क्लिक करें आस्क द डॉक्टर। हमारे डॉक्टर्स आपको देंगे सेकंड कंसल्टेशन। फ्रेंड्स, आपके ईमेल्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, इसी तरह अपने ईमेल्स लिखते रहिए, हमसे प्रॉब्लम्स शेयर करते रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। विजिट www.careworldtv.com, भेजें सेहत से जुड़ी कोई भी समस्या, लॉग ऑन टू careworldtv.com एंड क्लिक आस्क द डॉक्टर। हमें आपकी फिक्र है।